जय श्री महाकाल। आदेश। जय श्री महाकाल गुरु जी। तो हित जी, और ये नए नहीं है, ये बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और लगभग तीसरी बार साधना करने आए। तो जी, तीसरी नहीं चौथी बार साधना करने आए। सबसे पहली बार ये साधना करने आए थे पीरे गौस बाबा, इन्होंने साधना संपन्न की। इसके बाद ये दूसरी साधना करने आए पीर ताजुद्दीन बाबा और बुद्धू साहेब बाबा की। ये दोनों साधना इन्होंने संपन्न की। इसके बाद इन्होंने प्रारब्ध परिवर्तन साधना, इसके बाद ये आए तंपसा साधना के लिए। तो पहले चर्चा करते हैं, जो पहले साधनाएं कर चुके हैं उनसे क्या लाभ होगा, क्योंकि वो भी चर्चा का विषय होता है कि भाई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो निरर्थक तो नहीं जुड़ा होता है। अगर कोई लाभ ना हो किसी के जीवन में तो क्यों व्यक्ति उसमें आगे बढ़े। तो रोहित जी, आपने जैसे पीर बाबा की साधना की, उसमें तीन शक्तियां हैं, दो साधनाएं हैं। एक शक्ति है पीरे गौस बाबा, दूसरी शक्ति है ताजुद्दीन और बुद्ध साहेब बाबा। तो ये आपने जो साधना की, तो इस साधना के क्या रिजल्ट रहे आपके जीवन में? ये साधना गुरु जी काफी अच्छे रिजल्ट मिले। जितने जो पीरे गौस बाबा, इनके मतलब मदद से कस्टमर भी आते हैं और जो जमीन सेल आउट भी करते हैं, जो पीर ताजुद्दीन और बाबा बुद्ध साहेब जी है, जो व्यक्ति को मतलब उनका माइंड को कंट्रोल करके जमीन भी सेल आउट कर देते हैं, इनके मतलब जिंदगी में काफी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला। तो मतलब काम ठीक हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आपके जीवन में ये तो लगभग इनके काम है, ये काफी लोग जानते हैं, सबको जब वीडियो बने थे तो इस बारे में बताया गया था। आपके जीवन में क्या क्या कार्य हुए, आपने क्या क्या कार्य लिए और क्या क्या लाभ प्राप्त किए? उनसे तो जैसे जमीन वगैरह मुझे प्रॉफिट हुआ, जमीन किसी के सेल आउट किया जाता है, कमीशन वगैरह किसी के साथ काम करता हूँ, प्रॉफिट मतलब अच्छा मिल जाता है। तो ये मतलब जमीन भी सेल आउट करते, मतलब इनका रिजल्ट हो जाता, कभी कभार हफ्ते में आ जाता रिजल्ट, 10 दिन में ऐसे हो जाते जी। चलो दूसरी बात करते हैं, प्रारब्ध परिवर्तन जी, वो किसने की, क्या की, वो ठीक है जैसा आप चाहो वैसा बता सकते हो। तो जो प्रारब्ध परिवर्तन साधना थी उसके कैसे रिजल्ट थे? काफी अच्छा रिजल्ट मिला गुरु, जैसे मतलब सिस्टर जी ने करा था, तो उनका पहले उनका कोई भी शादी का कोई विचार, पहले तो विचार नहीं बनता था, अगर कोई रिश्ता वगैरह आता था वो मतलब बीच में लटक जाता था, कभी रिश्ता नहीं हुआ था। जब जब साधना के उसके बाद मतलब अचानक से रिश्ता आया और शादी का प्लान कर शादी भी होगी, मतलब उसके काफी बदलाव आया उसकी जिंदगी करने के बाद। बिल्कुल, और जो घर जो वर मिला वो वैसा मिला जैसा आप चाहे जी। बिल्कुल, ठीक है, एक उच्च स्तर। हाँ जी बिल्कुल गुरु जी, जैसा वो सोच उनके विचार वही उनके विचार मिलते हैं, जैसा वो चाहती थी वैसा ही उनको मिला। बिल्कुल, मतलब साधना करने के बाद काफी बदलाव है। अब करते हैं मूल विषय पर, तंपसा साधना। तो आपने जब ये दो साधनाओं के रिजल्ट देखे जी, तो आप मूव हुए तंपसा साधना पर कि निश्चित इससे भी लाभ होगा, जीवन में परिवर्तन होगा जी गुरु जी। तो आपने साधना को चुना, आप आए इसमें जो जुलाई की अमावस्या पड़ रही थी 3 तारीख की, इसमें आपने साधना की, और इस साधना को के दौरान मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, हालांकि प्रार्थना सबके ऊपर लगी थी कि किसी को तीक्ष्ण अनुभूति ना हो, तो क्या आपको किसी प्रकार की अनुभूति हुई साधना के दौरान? मतलब गुरु जी मेरा ऐसा था, मतलब मेरे को भूलने का लग रहा था, जैसे कोई भी मतलब उठी वगैरह करता कुछ, मतलब मैंने मतलब उंगलियों से मतलब अपना शुरू किया, एक होगी तो एक बार, दो होगी तो दो, मतलब ऐसे उंगलियों पर किया, क्योंकि मतलब भूल रहा था बीच में। जब 11 बजे करा उस टाइम भी भूल रहा था, जब मतलब साधना कंप्लीट होगी थी उसके बाद मतलब ऐसा लगा थोड़ा सा शरीर 12 भी लगा और ऐसा लगा मतलब गिरने में थोड़ा सा चक्कर जैसा लगा मेरे को, ऐसा लग रहा था। मतलब कहने का मतलब है कि दिमाग के विचार शून्य हो गए थे, ब्लैंक जैसी स्थिति थी, याद ना रहना, भूल रहा वो तुम जबकि एक आहुति कर रहे थे तो साथ में बोल रहे थे एक जी, वो इसलिए बोल रहे थे, आहुति करी बोले दो, मैंने कहा भैया ये तंत्र उसमें मंत्र में शामिल हो जाएगा, ये दो फिर 6 फिर 9, इसलिए इसको मत बोलो। लेकिन आप क्या कर सकते हैं जब दिमाग ही जब पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था, वो विचार ही नहीं आ रहे थे, याददाश्त ही गायब हो रही थी, और फिर साथ में चक्कर आना, तो ये एक तरीके से तंपसा साधना का हिस्सा ही है। आप कितनी ही प्रार्थनाएं लगा लो, चक्कर तो आने ही आने हैं, और वो लगभग 24 घंटे से पहले भी गुरु जी मतलब जब मैंने करनी थी ना साधना, जब आप मतलब सामान वगैरह सारा रेडी कर रहे थे, तो मुझे गुरु जी ऐसा हो रहा था, मुझे घबराहट जैसी हो रही थी जी जी, मतलब ऐसा हो रहा था, मतलब मेरे को कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बेचैनी सी लग रही है, मतलब ऐसा भी हो रहा था। और जब मैं जहाँ आपके पास आ रहा था, ट्रेन भी मुझे ऐसा लग रहा जैसे बेचैनी जैसे हो रही है ट्रेन में आते वक्त, तो मैंने वहाँ मतलब बैठा महादेव बाबा जी का जाप करने लगा, मतलब मृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का थोड़ा जाप किया, थोड़ा सा ये मतलब निकल के फिर मैं सेट सा हो गया। फिर जहाँ से इधर आपके आते वक्त मुझे बेचैनी सी हो रही, मुझे जैसे कुछ हो रहा है, जैसे सांस लेने में दिक्कत, वैसे चौंती जी होते हैं, जैसे कोई चीज को मतलब बहम सा पड़ रहा है, ऐसा हो रहा था मुझे। जब
फादर के नून से पहले ही मुझे और घबराहट जैसे बेचैनी जैसी हो रही थी। जब मैंने फिर महादेव बाबा को प्रार्थना लगाई उस टाइम मैंने थोड़ा सा ऐसे होने चाहकर 10-11 बार पढ़ा और मैंने अपनी ऊर्जा से जो पीर बाबा सारी शक्तियों से प्रार्थना लगा दी थी पहले, मतलब मत्था टेक कर, मतलब आप मेरे, मतलब मेरी कोई भी परीक्षा ना हो, मेरी सारा निगरानी उससे बंद हो जाए। तो उसके बाद मतलब जब मैं बैठा तो ठीक, मतलब कोई उस टाइम नहीं रूल, मतलब हाँ भूलने का जरूर चल रहा था, भूल रहे थे तभी थोड़ा थोड़ा डांट भी पड़ रही थी, ये तुम देखो ये छोड़ रहे हो, ये तो तो आप इस साधना से संतुष्ट हैं? जी गुरु जी। तो ये है रोहित जी, इनकी जो साधना हुई है तंपिसा साधना, और आपने हाँ पूरे प्रयोग वगैरह सब समझ लिए हैं? जी गुरु जी। और बाकी जो रहे आप कॉल पे भी पूछ सकते हैं। जी गुरु जी। तो ये है रोहित जी, इन्होंने तंपिसा साधना जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न की है, और ये इनके जो है अनुभूति और अनुभव थे साधना के दौरान। तो बस इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री माता।